सित्तनवासल गुफा। सित्तनवासल गुफा अरिवर कोल भारत के तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले के सित्तनवासल गांव में दूसरी शताब्दी का तमिल श्रमण गुफा परिसर है। इसका नाम एक तमिल शब्द सी तन्ना व यल का विकृत रूप है, जिसका तमिल अर्थ है महान संतों का निवास स्थान। ये स्मारक एक चट्टान को काटकर बनाया गया मठ या मंदिर है। तमिल श्रमण द्वारा निर्मित इसे अरिवर कोल कहा जाता है और यह अरिहंतों का एक चट्टान को काटकर बनाया गया गुफा मंदिर है। इसमें 7वीं शताब्दी के उल्लेखनीय भित्ति चित्रों के अवशेष शामिल हैं। भित्ति चित्रों को वनस्पति और खनिज रंगों से काले, हरे, पीले, नारंगी, नीले और सफेद रंग में चित्रित किया गया है। चूने के प्लास्टर की पतली गीली सतह पर रंग लगाकर पेंटिंग बनाई गई है। ऐसा दावा किया जाता है कि गोल गुंबज तलगिरेश्वर मंदिर और इस जैसी प्राचीन संरचनाओं की अपेक्षाकृत कम सराहना की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सित्तनवासल गुफा को अवश्य देखे जाने वाली भारतीय विरासत की सूची में सूचीबद्ध किया है। सित्तनवासल गुफा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आदर्श स्मारक स्मारकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इतिहास। जबकि सित्तनवासल गांव पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक का है, जब यहां जैन धर्म विकसित हुआ था। मंदिर की गुफा शुरू में पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम 580-630 ईस्वी पूर्व की थी, जब वह जैन धर्म से हिंदू धर्म में शैव के रूप में परिवर्तित हुए थे। हालांकि एक शिलालेख में इसके जीर्णोद्धार का श्रेय संभवतः पांडियन राजा मारन सैंडन 654-670 या अरिकेसरी मारवर्मन 670-700 को दिया गया है। पहाड़ी की चोटी पर श्रमण बिस्तरों को जैन युग के तीर्थस्थल का श्रेय दिया जाता है, जो 9वीं शताब्दी ईस्वी तक चला। हालांकि पुदुकोट्टई क्षेत्र में जहां स्मारक स्थित है, वहां बहुत पहले के महापाषाण दफन स्थलों की कई पुरातात्विक खोजें मिली हैं। 20वीं शताब्दी में 2 प्रकाशन हैं जिन्होंने इन स्मारकों को विशेष रूप से प्रकाश में लाया है। एक 1916 में पुदुकोट्टई राज्य का जनरल हिस्ट्री पुस्तक में राधाकृष्ण अय्यर द्वारा लिखित, जो एक इतिहासकार थे लेकिन केवल क्षेत्रीय रूप से जाने जाते थे, और दूसरा जॉगी डब्ल्यूएल और गोपीनाथ राव के मूर्तिकार थे, जो साथ मिलकर काम किया और 1920 में सित्तनवासल पर एक मोनोग्राफ निकाला, जिसने इसे दुनिया भर के पुरातत्वविदों के बीच सुर्खियों में ला दिया।